हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग हैं फिलहाल घर में। मैंने लगा है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए। इसके बाद ऊपर का जो है काम चल रहा है लगातार। धुल रहे वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े, क्योंकि बहुत सारे कपड़े गंदे हो रखे थे, तो आज एक ही दिन निकाल के इनकी धुलाई कर दी है। और क्योंकि आजकल बरसात का समय और मौसम भी ख़राब रहता है, तो धोने का समय कम ही मिल पाता। ये अपडेट, हमारे मिस्त्री जी लगे हुए हैं काम में। अभी इस दीवार में लगना है एक वेंटिलेटर, एक छोटी सी खिड़की लगनी है, और ये रखी है वो खिड़की, इसको लगाया जाना है यहाँ पर। तो अभी मिस्त्री इसकी नपाई ले रहे हैं, फिर सुत्ता करके साहूल और लेबर लगा के ये सेट कर देंगे इस दीवार। मैंने मसाला लेके रख लिया है, ईंटा थोड़ा कम है इनके पास। ईंटा दो इनको, ईंटा बबलू बाबू, ईंटा दीजिए मिस्त्री को। मिस्त्री के पास ईंटा कम है चुनाई के लिए, मसाला लगा रहे हैं अभी। मिस्त्री जी, लेबल हो गया वेंटिलेटर लगने का, इस इतने में लगेगा। सेंटर ले लिए? ओके, मिस्त्री जी ने सेंटर ले लिया है। मिस्त्री जी नाप ले रहे हैं, कितना कितना छोड़ रहे हैं मिस्त्री जी दोनों तरफ। हाँ मिस्त्री जी, कितना छोड़ रहे हैं दोनों तरफ का गैप? हाँ एक इंच का। इसका साइज कितना है वेंटिलेटर का? तो 2 फीट है इसका, 2.5 फीट है, बीस 20 इंच है टोटल लंबाई, चौड़ाई में। लंबाई कितना है इसका? हाँ लंबाई कितना है इसका? लंबाई कितना होगा? 2 ढाई होगा। 2.5 फीट है। ओके, मिस्त्री जी को वेंटिलेटर, और मिस्त्री जी अभी सेट कर रहे हैं इसको, देख रहे हैं कौन से एंगल पे ये परफेक्ट सेट होगा। और ये हमारे बबलू जी हाई कर रहे हैं, ये रहा मिस्त्री जी परफेक्ट। अभी मिस्त्री जी चेक करेंगे, सूता साउल लगाएंगे और एक बार फिर से इंच टेप किया जाएगा इस पे। क्यों मिस्त्री जी, करेंगे ना? हाँ मिस्त्री जी ने कहा है करेंगे। मेहनत का काम है हमारे मिस्त्री जी के लिए, नापी करना, सेट करना। कैन सी गाइस, आवर मेसन इज क्वाइट बिजी राइट नाउ। ये वेंटिलेटर को जो है हम खिड़की के लेवल पर सेट कर रहे हैं, इसके लिए 2 रद्दा चुनाई उतारना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ी सी ऊंची नजर आएगी। इसी के लिए अभी मिस्त्री जी जो है 2 रद्दा लगाए और ईंटों का उतार रहे हैं। इसके बाद लेवल किया जाएगा और इस खिड़की के बराबर में सेट किया जाएगा इसको। मिस्त्री जी ने जो है ये लेवल पाइप ले लिया है, अभी ये रखी है यहाँ पर, और लेवल करेंगे अभी खिड़की को। फिलहाल नपाई करके सेट कर रहे हैं ये। कपड़े धोने का काम लगभग पूरा हो चुका है, ये देखिए फिलहाल कपड़े ड्रायर में ड्राई हो रहे हैं। इसके बाद इनको मेरे सूखते हुए कपड़े, मेरे पीछे पड़ा है ईंटों का ढेर, और ये ईंटें सारी ढुलाई की जानी है ऊपर के लिए। फिलहाल अभी ऊपर काफ़ी पड़ा हुआ है ईंटों का माल, लेकिन जैसे ही ख़त्म होता है तो ये सारी जो मेरे पीछे रखी हुई ईंटें हैं इस सीढ़ी के ज़रिए ऊपर ले जाए जाएंगी। ये लेवल किया जा रहा है इस खिड़की से लेकर उस वेंटिलेटर तक के लिए, और हमारे मिस्त्री जी भी चेक कर रहे हैं क्या ये खिड़की लेवल में है या नहीं है। ओके, तो लेवल ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, ओके हो गया। और हमारे मिस्त्री जी ने लेबल कर लिया है, दोनों कोने बराबर ठीक से सट गए हैं। तो इसके बाद आगे चुनाई का काम लगातार जारी रखा जाएगा। इस लेवल पाइप का काम पूरा हो गया, इसलिए इसको रख दिया गया है साइड में, और हमारे मिस्त्री जी अभी जाम करेंगे इस वेंटिलेटर को। मिस्त्री जी ने साहूल लगा लिया है और ये साहूल चेक कर रहे हैं, क्या ठीक है ये मिस्त्री जी बताइए। हम साहूल के बारे में नहीं जानते हैं, आप थोड़ा सा बताइए हमें। ये हमारे मिस्त्री जी सेट कर रहे हैं, होल फास्ट लगा रहे हैं। हाँ, और हम पकड़ के बैठे हैं यहाँ पर, अभी होल फास्ट ठोका जा रहा है।
ये अभी दूसरा होल पास लगा रहे हैं हमारे मिस्त्री जी। जाओ दो ना, ना करने पड़ता है। लग गए दोनों होल फास्ट। हम वापस आ गए हैं छत में चेकआउट करने के लिए। हमारे मिस्त्री जी ने क्या क्या किया है अभी तक के, और ये क्या देखते हैं, मिस्त्री जी ने वेंटिलेटर पूरा चिपका डाला, फिट कर दिया है, लगा के बराबर कर दिया है इसको लेवल में छत के। दोस्तों हमारे घर का काम बिना रुके बेरोक टोक जारी है पूरे जोरों शोरों पर, और हमारे मिस्त्री जी ने जो है एक दीवार निपटा दी है। इसके बाद वो चढ़ गए हैं दूसरी दीवार पर, तो मैं कैमरा पलट के दिखाता हूँ अभी वो कौन सी दीवार पर है। ये देखिए, अगर सामने आप देख पा रहे हैं ये वाला वाइट वाला वेंटिलेटर लग चुका है, और अब जो दूसरी दीवार है इस पर मिस्त्री जी चढ़ गए हैं। ये इस पिलर से लेकर इस पिलर तक ये दीवार है, और यहाँ पर इसमें एक वेंटिलेटर लगेगा जहाँ पर हमारे मिस्त्री जी बैठे हैं। तो फिलहाल इन्होंने अड्डा सेट कर दिया है, इसके बाद ये ईंटें लगाने का काम शुरू करेंगे, और साथ में जो हमारे सहायक हैं मिस्त्री जी के वो भी अपने काम में लगे हुए हैं, अड्डा फिट करने में इनकी मदद कर रहे हैं। तो आगे का अपडेट मैं लगातार बताता रहूँगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर।